वेल एक्चुअली बहुत समय के बाद मैं एक अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रही हूँ मुंबई में, एंड मैंने हमेशा कहा है कि मुझे पर्टिकुलरली मीडिया के फंक्शंस, अवार्ड फंक्शंस मुंबई में अटेंड करना बहुत पसंद है, क्योंकि आई थिंक पूरी इंडस्ट्री साथ में आती है एंड एक दूसरे को एनकरेज करती है, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देर विल बी सक्सेसफुल फिल्म, देर विल बी नॉट सो सक्सेसफुल फिल्म, बट एट द एंड वी आर एन इंडस्ट्री एंड आई थिंक इट्स अ वेरी हैप्पी टाइम एंड वी मीट ईच अदर एंड वी बॉन्ड. आई थिंक दैट्स वॉट मेक्स द होल प्रोसेस फन. नहीं एक्चुअली दिस वॉज द बेस्ट आउटफिट दैट माई स्टाइलिस्ट गॉट मी. इट्स एज सिंपल एज दैट. आई थिंक फॉर मी रेड सिंबलाइजेज यू नो जस्ट लाइक हाउ द अवार्ड्स एज रोज गोल्ड गोल्डन अवार्ड्स, सो इट्स परफेक्ट आई थिंक फॉर द इवेंट. भाई आई थिंक अवार्ड्स आर वेरी दे मेक यू फील गुड. आपने जो एफर्ट डाला है, आप अपने अपने काम को जिस तरीके से यू नो करते हैं उसका एक उसको एक सहारने का एक दिन है, एक मौका है, एक मोमेंटो है. सो या आई थिंक इट्स वेरी वेरी नाइस एंड इट्स लवली व्हेन पीपल गेट अवार्ड्स एंड दे फील गुड अबाउट इट. सर आपके मुंह में घी शक्कर, उतने उससे कहीं ज़्यादा कम है, आई होप सो. See, I know there is a lot of difficulty because of, you know, a lot of, the common man is really facing a lot of difficulty because of this condition right now. But I know for a fact, ek achhe cause ke liye hai and eventually this will turn out to be the right thing to do. So I know that it's difficult right now. The moment is very tense, but from the long run perspective, it's the best thing that's happened to us. Well, I think all women love him and he is, you know, a star that goes beyond time, beyond everything. So I think unse behtar kaun. Sir, mere pocket mein sirf 20 rupaye ka note tha aur ek 100 rupaye ka note tha. To bhai mujhse zyada bridge is waqt pe koi bhi nahi. Yes, that's what I feel that in the long run it's the right thing and जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है. सो इट्स ग्रेट. आई थिंक ओवरऑल आई नो इट्स डिफिकल्ट राइट नाउ. बहुत से लोग बहुत सी मुश्किलों से गुजर रहे हैं इसकी वजह से. आई नो मीडिया में सुनती रहती हूँ बातें, बट वी हैव नो अदर वे. आई थिंक यू नो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर. नो एक्चुअली आई हैव नो क्लू. मुझे कुछ सुनने नहीं मिला, बट आई डोंट नो एज यू आर सेइंग आई गेस यू नो आई डोंट नो मे बी यू नो समथिंग आई डोंट. मुझे कुछ नहीं मालूम है सब मोम आया है जी. सर मैं हूँ यहाँ पर जी. जी यस. यू नो आई थिंक मैं इस दर्जे पे नहीं हूँ कि मैं उनको कुछ मैसेज दे पाऊँ, क्योंकि जिस हादसे से वो गुजरी हैं शायद मैं उनकी पोजीशन कभी समझ नहीं पाऊँ. सो आई जस्ट फील लाइक जो लोग इस किस्म के हादसों से बाहर निकलते हैं और अपनी ज़िंदगी वापस से शुरू कर पाते हैं उनको सिर्फ एक सलाम दे सकती हूँ. और यू नो ऐसी ताकत भगवान ऐसे सभी इंसानों को दे बस. My next release that will come in Hindi will of course be Bahubali Part 2. But yes, I am constantly doing South Indian films. I've been actively in the regional films. So yeah, that's where I do a lot of work. How soon? नहीं मैं चाहती हूँ कि एक एक ऐसा वक्त होता है कि मुझे सिर्फ एयरपोर्ट पर सोने को मिलता है और यू नो मैं बहुत आधे तो टाइम नींद में होती हूँ एयरपोर्ट पर. But yes, I always see the photographers and unko ek hi to zarur bolti hu. Pakka aap main kal airport pe hone wali hu aur main aapke liye taiyar hoke aane wali hu. Ekdam ready. Haan ji. Itne aise national media pe de diya maine tip off. Kal airport pe hungi. Sorry. Haan jet ki flight hai.